वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की चिराग पासवान ने निंदा की है। खड़गे ने मोदी को झूठों का सरदार कहा था और चिराग ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं, ये लोग कितनी बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। चिराग ने कहा कि चुनाव में एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा। चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, पहले तो इनके पार्टी के दूसरे नेता थे, अब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जिस तरीके की से भाषा की मर्यादा को भूल रहे हैं, ऐसे में ये बात प्रमाणित होती है कि रुझान इनके पास भी पहुंच रहे हैं। पता इनको भी चल गया है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। वहीं चिराग के इस बयान पर तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले हाजीपुर से हार के लिए चिराग पासवान को मुबारकबाद, भाजपा के लोग चिराग पासवान को हरा रहे हैं। इससे हमको क्या लेना है? तो भाजपा का मैटर है, उसका मैटर हो जाए। कहा जा रहा पार्टी का विरोधी गतिविधि कर रहे थे, अब इस पे क्या टिप्पणी है? अजय प्रशांत किशोर सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो है कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि चौथे फेज तक 300 और पांचवें छठे फेज तक 400 से ज्यादा सीट लेकर हम लोग चिराग जी को सरकार बनाएंगे, आप लोग वेस्ट पे जाएंगे। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हम यहाँ सर।